सेगांव विकासखंड के ग्राम धौलिया वाड़ी और आसपास के आदिवासी फालियाओं में 1 से 5वीं तक के बच्चे जान हथेली पर रखकर अपने पालकों और अन्य राहगीरों की मदद से छोटे छोटे नालों को पार कर गोलवाड़ी प्राथमिक विद्यालय में अध्ययन करने प्रतिदिन आते हैं। बरसात के मौसम में नाले पार करने में समय भी लगता है और कभी कभी तो पैर फिसलने से नाले में भी बच्चे गिर जाते हैं। वहीं ग्राम गोलवाड़ी के कृष्णकांत यादव ने बताया कि छोटे छोटे बच्चों को नाला पार करके जान जोखिम में डालकर स्कूल आना पड़ता है। शासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। शासन को चाहिए कि नाले की जगह रपट या पुल बनाया जाए जिससे बच्चों को जान जोखिम में न डालना पड़े। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। ये बच्चे प्रतिदिन जान हथेली पर रखकर स्कूल गोलवाड़ी आते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? गोलवाड़ी जो बच्चे आ रहे हैं क्योंकि तालाब में पानी पूरा भर गया है, दोनों तरफ रास्ता नहीं है। वहाँ के जो किसान है अपने बच्चों को उठाकर इधर नाले पार करवा रहे हैं और जान अपनी जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। प्रशासन का किसी का वहाँ पर कोई ध्यान नहीं है। क्या नाम लिखते हैं? कृष्णकांत यादव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।